कालीनाग ने युवक को डसा, बच्चे और नाग को पकड़कर परिजन पहुंचे अस्पताल। अस्पताल में बने शंकर जी के मंदिर पर नाग को रखकर पूजा अर्चना शुरू ताकि बच्चे का जहर हो सके। झांसी में घर के अंदर एक बच्चे को जमीन पर सोते समय सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़ा लिया और प्लास्टिक के डब्बे में भरकर मेडिकल बच्चे के साथ सांप को लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में परिजनों ने चिकित्सकों को बताया कि इसी काले सांप ने बच्चे को काटा है। सांप देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया और सब लोग इधर उधर भागने लगे। इसके बाद डॉक्टर्स ने बच्चे को इमरजेंसी के वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजन इमरजेंसी के पीछे बने शिव मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं। झांसी जनपद के सीपरी बाजार नंदनपुरा इलाके से अजीब और गरीब मामला सामने आया, जहां 15 साल के संगीत नाम के एक बच्चे को सांप ने काट लिया। परिजन बच्चे के साथ आनंद फानन में सांप को पकड़ते हैं और डिब्बे में भरकर अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर को सांप इसलिए दिखाया ताकि सांप के जहर के बारे में चिकित्सक को पता चल जाए और वे इसके हिसाब से बच्चे का इलाज कर सके। हमें पता चल जाए कि नाम क्या है। मुन्ना सविता। कौन किसको काटा आपके साथ? धान जी को। सांप लेके आए हैं अस्पताल, क्यों लेके आए, क्या कारण? इसलिए लेके आया कि हमें डॉक्टर साहब को दिखाना था कि किस सांप ने काटा है, इस हिसाब से हमारे बच्चे को इलाज इस तरह से हो जाए, जो भी इंजेक्शन लगना हो वो हमारे बच्चे को लग जाए। बच्चे की माँ किरण ने बताया कि मेरे बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया। बच्चे के साथ हम भी जमीन पर सो रहे थे तभी सांप ने काट लिया, और जब बच्चे ने कहा कि मुझे खा लिया की आवाज आने पर देखा तो सांप भाग रहा था। फिर सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़कर डब्बे में बंद करके बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और इमरजेंसी में इलाज के लिए बच्चों को भर्ती कराया। अब बच्चे के परिजन और नाते रिश्तेदार मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के पीछे बने शंकर जी के मंदिर पर सांप को रखकर पूजन अर्चन कर रही हैं ताकि बच्चे का जहर कम हो जाए और वो ठीक हो जाए। इसको लेकर लगातार महिलाएं मंदिर पर बैठकर पूजन अर्चन करने में जुटी हुई है। किरण, क्या घटना हुई? मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया। हम लोग बच्चे चारों लोग लेटे थे नीचे उस पे, और 10 मिनट में बच्चे को अस्पताल ले आए, उसका इलाज करवाया, उसी का इलाज चल रहा है। कैसे काट लिया, क्या था? लेटा था बच्चा, हम भी लेटे थे साथ में। पता कैसे चला? पता इससे चला कि उसने कहा कि वो सुटपुटाया, तो मैंने देखा तो वो बोला कि खा लिया, तो वो देखा उसको तो वहाँ चला, दिखाया सांप, तो फिर भागे लेके बच्चे को। फिर सांप पकड़ा गया क्या? सांप पकड़ गया और डिब्बे में बंद करके रखा। अभी आप लोग कहाँ बैठे हैं? अभी झांसी मेडिकल कॉलेज। अभी कहाँ बैठे हैं आप? अभी शंकर जी के मंदिर पे डले हैं सब लोग, उन्हीं के दरबार में प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो शंकर जी के पास क्यों आए? केवल और भगवानों भी तो है, सब लोग उन्हीं की प्रार्थना करते हैं, वो ही आए थे बच्चे। कितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं? 11 बजे रात से बैठे हैं यहाँ।